अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। लोकसभा में पीएम मोदी ने अयोध्या में सरकार द्वारा कब्जाई गई 67 एकड़ जमीन को भी ट्रस्ट को देने की बात की। अब 67 एकड़ गैर विवादित जमीन और 2.5 एकड़ विवादित जमीन दोनों ही राम मंदिर ट्रस्ट के पास होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित फैसलों को लेगा। पीएम मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान करने के साथ ही मस्जिद के लिए जमीन का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार गहन विचार विमर्श के बाद संवाद और बाद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध यूपी सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया। योगी ने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी को प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट का गठन करने के लिए कोटिश धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र एवं मंदिर निर्माण से संबंधित सभी निर्णय लेने में सक्षम होगा। इसी के साथ योगी ने लिखा कि जय श्री राम। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई। योगी सरकार ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस में जमीन दी जा रही है। ये जमीन लखनऊ अयोध्या हाईवे पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर पहले है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा, जिसमें राजनीति से जुड़ा कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा। उन्होंने इस ट्रस्ट की घोषणा करने के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये अयोध्या के लिए गर्व की बात है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मस्जिद के लिए भी जमीन चिन्हित कर दी है। दोनों का निर्माण एक साथ होना चाहिए। अयोध्या में मस्जिद भी बनाएंगे, अस्पताल भी और भी बनवाएंगे। AIMIM पार्टी के सांसद ओवैसी ने राम मंदिर ट्रस्ट गठन पर कहा कि संसद में सत्र चालू रहा है, यह 11 तारीख को खत्म हो रहा है। यह ऐलान 8 तारीख को किया जा सकता था। इस ऐलान से लगता है कि बीजेपी को दिल्ली में हार का खतरा सता रहा है। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले अयोध्या में मणिरास दास छावनी में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। श्री राम जन्मभूमि न्यास में अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह मिल सकती है। महंत की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मणिराम दास छावनी जाने वाले मार्ग को सील कर दिया गया है। एशिया में रक्षा उत्पादों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का शानदार तरीके से आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। रक्षा उपकरणों के कारोबारियों के इस समागम में 70 से ज्यादा देशों की 1028 कंपनियां अपने उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं। इनमें 856 भारतीय और 172 विदेशी कंपनियां हैं। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आगाज हो गया है। 5 दिवसीय मेगा शो में स्वदेशी हथियार की धूम रहेगी। हथियारों के सबसे बड़े इस मेले में देश के कई बड़े रक्षा उत्पाद भी नजर आएंगे। इस 11वें डिफेंस एक्सपो में दुनिया भर के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। बुधवार को श्रीनगर के लवेपोरा इलाके में संदिग्ध आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए, साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का एक जवान शहीद हो गया। निर्भया केस में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने दोषियों को अलग अलग फांसी देने की याचिका खारिज की। गृह मंत्रालय ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के
खिलाफ याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने कहा दोषियों के अलग अलग फांसी नहीं दी जा सकती है, निर्भया के दोषियों को एक साथ फांसी होगी, एक हफ्ते में सभी कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अग्रिम जमानत पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है। इससे पहले गिरफ्तारी के डर से अब्दुल्ला आजम खान ने कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। अब्दुल्ला आजम ने अपने ऊपर चल रहे 3 मामलों में ये अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। पिथौरागढ़ में सीएम त्रिवेंद्र रावत के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सीएम लगातार दिल्ली के चक्कर तो लगा रहे हैं, मगर प्रदेश के विकास के लिए कोई भी बड़ा आर्थिक पैकेज केंद्र से लाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। जोशी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जितनी भी लूट खसोट हो रही है उसका एक हिस्सा दिल्ली भेंट करने के लिए सीएम लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक हरीश धामी की उपेक्षा मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल राव से मुलाकात कर प्रदेश संगठन के हालात से उन्हें अवगत कराया। मुलाकात की जानकारी खुद हरीश धामी ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। पार्टी हाईकमान ने उन्हें मामले में उचित न्याय का आश्वासन मिला है। दिल्ली पहुंचे धराचूला विधायक हरीश धामी ने राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल राव से मुलाकात कर उन्हें सारी बातें बताई। उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आंगनबाड़ी और महिला बाल विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी पारदर्शिता से धरातल पर उतारने का काम करेगी। इसके अलावा हृष्ट पुष्ट उत्तराखंड बनाने के लिए अब सरकार गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध, केला, अंडा भी उपलब्ध करा रही है। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी का विवादित बयान सामने आया है। वसीम रिजवी ने कहा कि शाहीनबाग भारत की धरती पर एक कलंक है, तो पाकिस्तान से हिंदू अपनी जान बचाकर भागा है, उनको भारत नागरिकता क्यों दे रहा है, इस बात का विरोध हो रहा है। सीएए का विरोध इंसानियत के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने नोएडा पहुंचे। दिल्ली चुनाव को लेकर प्रहलाद मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो हिंदुओं के हितों की रक्षा कर सके। वहीं एनआरसी और पर उन्होंने कहा कि एनआरसी तो असम में राजीव गांधी के समय में शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसका अपशय बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य नैनीताल के भावली दौरे पर रहे। इस दौरान 3,49,00,000 की लागत से बने रोडवेज वर्कशॉप का शुभारंभ किया। यशपाल आर्य ने कहा कि बस अड्डा बनने के बाद भवाली में लगने वाले जाम से स्थानीय लोग और यहां आने वाले पर्यटकों को निजात मिलेगा। मेरठ पीएफआई को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार पीएफआई के गुर्गों ने शहर में हिंसा करने के लिए 300 रुपए देकर भीड़ को इकट्ठा किया था। इस लालच में कैंची बनाने वाला 65 वर्षीय संगीर भी आ गया। उसे यह नहीं पता था कि पथराव क्यों किया जा रहा है। संगीर ने पुलिस को सभी बातें विस्तार में बताई। संगीर ने के अलावा पुलिस ने इसरार और शादाब को भी गिरफ्तार किया है, जिनको जेल भेज दिया गया है। आजमगढ़ के बिलरियागंज इलाके में जवाहर पार्क में सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन के दौरान कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। मुरादाबाद में सीएए के समर्थन में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने हरपाल नगर में एक अनोखे माता के जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें माता के भजनों के साथ ही भारत माता के जयकारे गूंजे और लोगों ने सीएए के प्रति अपना समर्थन भी जताया। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी आकाश अग्रवाल ने बताया कि सीएए के खिलाफ देशभर में भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसको वो दूर करना चाहते हैं। जालौन के कालपी में चल रहे NH-27 निर्माण कार्य में अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा न मिलने से परेशान लोग अनशन पर बैठ गए हैं। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण किए जाने के पहले NHAI ने आश्वासन दिया था कि सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा जल्द दे दिया जाएगा, पर साल भर बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। मिर्जापुर के लालगंज इलाके में प्राथमिक स्कूल में
खौलते भगौने में गिरी बच्ची की मौत के बाद जिला प्रशासन ने 6 रसोइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं स्कूल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। लखीमपुर खीरी में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मजदूर बनाकर काम कराया जा रहा है। छात्रों के मजदूर बनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। मेरठ में पति ने पत्नी के घर से पैसे ना लाने पर पत्नी के सिर के बाल काट दिए। जानकारी के मुताबिक पति आरिफ ने पत्नी रोशनी से अपने पिता से पैसे लाने की फरमाइश रखी, लेकिन पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। इस बात से गुस्साए पति ने पहले तो अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसके बाद उसके सिर के बाल काट दिए। एटा में 3 साल की मासूम के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया है। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में आरोपी ने बच्ची को बहला फुसला कर घर के अंदर ले गया। वहां आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची की मां ने बच्ची को बाहर नहीं देखा तो लोगों से पूछा। लोगों के बताने के बाद पड़ोसी के घर जाकर देखा गया तो बच्ची वहां रोती हुई मिली। बच्ची के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। औरैया के सदर इलाके में तहसील दिवस के फरियादी बुजुर्ग व्यक्ति को सरकारी स्टाफ के व्यक्ति द्वारा धक्का देने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल बुजुर्ग व्यक्ति अधिकारियों से पेंशन और राशन कार्ड बनाने की गुहार लगाने आया हुआ था, जहां उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मिर्जापुर के विंध्याचल इलाके में कालीन व्यवसायी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक कौशाम्बी का रहने वाला था और वो विंध्याचल में रहकर कालीन बुनवाने का काम करता था। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। काशीपुर में अवैध शराब माफियाओं का कहर है। देर रात पुलिस दबिश के लिए गई थी, जिसके चलते पुलिस ने 2 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गांव में देखकर ग्रामीण एकत्रित हो गए और आग बबूला हो उठे। ग्रामीणों ने दबिश देने आई पुलिस का पथराव कर दिया और दोनों लोगों को छुड़ा लिया। पुलिस ने घटना के बाद करीब 1 दर्जन नामजद और करीब 50 लोगों के खिलाफ अज्ञात के मुकदमा दर्ज किया है। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बस की टक्कर में बस में सवार करीब 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। कुंदुरनकी थाना क्षेत्र के कमलापुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मिर्जापुर के कटरा इलाके में तेज रफ्तार से आ रही कार ने लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। कार के टक्कर की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर कार चालक से पूछताछ कर रही है। मथुरा में NH2 पर टायर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें एक की मौत हो गई। हादसे की वजह से रोड पर जाम के हालात हो गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने JCB की मदद से जाम को खुलवाया और मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा के रिंग रोड के पास हुई एक दुर्घटना में 5 अमेरिकन बाइकर्स गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दिल्ली से आगरा आ रहे 5 अमेरिकन बाइकर्स को एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है। अंबेडकर नगर में स्कूल जा रहे छात्र को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे छात्र की मौत हो गई। छात्र साइकिल से स्कूल जा रहा था। शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में भूसी से भरे ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कन्नौज में दर्दनाक कार हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और भी कुछ लोगों के नहर में गुम होने की आशंका है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इरादगढ़ थाना क्षेत्र के उमरदा नहर की यह घटना है। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली इलाके में दुल्हन की चौखट पर बारात लेकर पहुंचने से पहले ही बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजन दूल्हे को लेकर CHSC गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाराज परिजनों और बारातियों ने अस्पताल परिसर में हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की।
उत्तराखंड के श्रीनगर में खनन के चलते अकनानंद नदी में टापू से कीर्तिनगर तक अपना रुख बदल दिया है। ऐसे में अब नदी श्रीनगर के बजाय रानीहट की तरह से बहने लगी है, जिससे भविष्य में बरसात के दिनों में रानीहट सहित उफलांडा नदी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। सियाचिन में तैनात टिहरी जिले के साबली गांव निवासी जवान की ज्यादा ठंड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई है। जवान की मौत की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। चंबा ब्लॉक के संबाली गांव निवासी हवलदार रमेश बहुगुणा फरवरी 2002 में महार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। अगस्त 2019 में उनकी तैनाती सियाचिन में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से कुल 354 संदिग्ध मरीजों की पहचान होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें उनके घर में ही पूरी सतर्कता के साथ रखे जाने की व्यवस्था की है। ये सभी 354 लोग बीते दिनों में चीन से यूपी के विभिन्न जिलों में आए हैं। संदिग्ध मरीजों की निगरानी के लिए जिला सर्विलांस यूनिट को मुस्तैद किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने गौतम बुद्ध नगर, बागपत और वाराणसी के 3 संदिग्ध मरीजों के नमूने जाँच के लिए राजधानी लखनऊ स्थित KGMU भेजे हैं। अधिकारियों के मुताबिक चीन से लौटे लोग फिलहाल स्वस्थ हैं, लेकिन तसल्ली के लिए जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए 4 संदिग्ध मरीजों के नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मंगलवार तक प्रदेश में किसी भी मरीज के कोरोना वायरस नहीं मिला है। पीलीभीत के गांव की रहने वाली एक महिला में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने की आशंका जताई गई है। पिछले एक महीने में क्षेत्र के कुछ गांवों में कनाडा न्यूजीलैंड से लौटे 17 लोगों में यह महिला शामिल है। यह सभी लोग चीन से होते हुए भारत पहुंचे थे। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो शो के 15वें संस्करण का आगाज हो गया है। ग्रेटर नोएडा चौथी बार इस शो की मेजबानी कर रहा है। इस ऑटो एक्सपो की थीम एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी की थीम पर रखा गया है। यह शो 7 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन गहरे रंग के गुलाबों, सफेद डेजी और ट्यूलिप की लंबी कतारों के साथ अपने वार्षिक उद्वानोत्सव के वसंत का स्वागत करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन लोगों के दीदार के लिए तैयार है। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित यह आकर्षक गार्डन आम जनता के लिए आज से खोल दिया गया है। ये आम जनता के लिए 8 फरवरी तक खुला रहेगा। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रहेगा और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। भारत की अंडर 19 टीम का पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचने के बाद जहां एक तरफ देश में खुशी का माहौल है, वहीं हापुड़ में क्रिकेट कार्तिक त्यागी के घर भी जश्न मनाया जा रहा है। कार्तिक के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हाजी रन की नाबाद पारी खेलने वाले केएल राहुल ने कीवी सरजमी पर बतौर भारतीय विकेटकीपर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अभिषेक बच्चन आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके को खास बनाने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने खास तैयारी भी की है। देर रात उन्होंने सोशल मीडिया पर अभिषेक बच्चन के साथ कुछ फोटो शेयर की हैं, जिसमें पूरा बच्चन परिवार नजर आ रहा है। फोटो शेयर करते हुए ऐश्वर्या ने लिखा, प्यार हमेशा। दिग्गज फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने हाल ही में बताया कि वो मशहूर हॉलीवुड फिल्म बैड बॉयज का हिंदी रीमेक बनाना चाहते हैं और इसके लिए अपनी पसंदीदा स्टार कास्ट भी उन्होंने फाइनल कर ली है। नेहा धूपिया के चैट शो पर रोहित ने बताया कि अगर वो कभी बैड बॉयज का हिंदी रीमेक बनाएंगे तो इसमें अक्षय कुमार और रणवीर सिंह को साथ में कास्ट करेंगे। करीना कपूर के भाई और बॉलीवुड एक्टर अरमान जैन की शादी से जुड़ी कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उनके रिसेप्शन में बॉलीवुड की कई हस्तियां नजर आईं।